Hi guys, this is Varun Dhawan and you're watching me on Bollywood Nazar. Hi, this is Karthik Aryan and you're watching me on Bollywood Nazar. Hi, this is Imran Hashmi and you're watching me on Bollywood Nazar. वैसे इस बात पे किताब लिखी जा सकती है कि लड़कियां क्या चाहती हैं, फोटोग्राफर और दुनिया को क्या बताती, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है बॉस। मेरे हिसाब से ना, अगर झूठ की कोई शक्ल होती है ना, तो वो इन लड़कियों की होती है। इनको पति चाहिए हीरे जैसा, सोने जैसा। यार ये दुनिया पित्तल भी है और इन औरतों का दिल ना पत्थर था। फिर भी इनकी डिमांड में नो कम। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ भाई लोग इस शादीबाजी के बवाल में ना पढ़ो ही मत, कुछ नहीं रखा इसमें। सिंगल रहोगे ना, खुश रहोगे, सॉर्टेड रहोगे और ज्यादा भी जियोगे। मेरे हिसाब से लड़कियां ना बहुत कुछ, और अगर लड़कों को ऐसी पता चल जाए कि इनके दिल में क्या चल रहा है, तो शादी के बारे में तो सोचेंगे, क्योंकि इनको यार नहीं सिर्फ पैसे से। I agree with Virat. Hello. मैं बबीता आहूजा, विराट की माँ। मैं कहती हूँ ना कि अमीर को सिर्फ अमीरों से ही शादी करनी चाहिए, यही रिश्ता जचता है। A match made in heaven, अमीरों के लिए ही तो बोला जाता है, गरीबों को वहाँ कौन पूछता है। मेरा तो ये साफ मानना है कि सिक्का उछालकर नसीब आजमाने वाले गरीब होते हैं। नसीब वाले तो ऐसे अमीर होते हैं जिनके आगे दुनिया का हर रिश्ता बिकता है। प्यार भी नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं मानती, वो सब ऐसा थोड़ी होता है ना। सॉरी हाँ, मैं ऐसे बीच में ही आ गई। मैं नमस्कार, मैं भवानी चिटनिस। आंखों की आई, मुझे ऐसा लगता है कि प्यार बिकाऊ नहीं होता और पैसों का मोहताज तो बिल्कुल नहीं होता। प्यार हो या रिश्ता, वो विश्वास की नींव पे टिकता है ना। और ऐसा प्यार पाने के लिए और निभाने के लिए ना अमीरी की नहीं, सब कुछ लुटा देने वाली फकीरी चाहिए होती है। एक सेकंड, प्यार यार जब लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती तो ये प्यार और शादी की क्या गारंटी हो सकती है? रिश्तों की कोई गारंटी नहीं होती, रिश्तों को बनाना पड़ता है, निभाना पड़ता है। उससे गारंटी पर ही विश्वास करते हैं। As after this delightful introduction to our new characters, I'd like to invite the producer, the immensely talented Mukta Dhond. It's the story of आज की मुंबई, आज की इंडिया की लड़की जो पढ़ी लिखी है, जो काम करती है, घर संभालती है, नौकरी करती है। She is independent and she is also 29. You find a husband, but till then she is also 29. Unlike what we've seen before, कि 29 की हो गई तो अब sad हो गई, शादी नहीं हुई, आज तक कैसे चलेगा। Amruta is not like that. Amruta believes in love. कुछ चीज़ें थी घर में, प्रॉब्लम्स थी, शादी नहीं हुई, बट शी स्टिल बिलीव्स इन लव एंड शी स्टिल होप्स दैट वन डे शी विल फाइंड द राइट पार्टनर. एज नहीं होना चाहिए अ रीज़न टू गेट मैरिड, लव होना चाहिए. She is a good Maharashtrian middle class girl who lives with her family in a very nice chota sa 2BHK. Uska full opposite is Virat and Virat's entire Ahuja family, who by the way was called Virat Ahuja at one point. And then Shruti called me and said, I want to call him Singhdana. So because she wanted to call him Singhdana, Virat is now Virat Singh Ahuja, so we can call him Singhdana. So Virat is that Punjabi munda who's lived in South Delhi, who is extremely talented at work and he's made lots of money, karodo, which we always have in all our shows. तो करोड़ों के पैसे हैं इनके पास, but उतना ही attitude है. और इसके past में एक ऐसी चीज़ हुई जिससे he believes women are only after money, women are just like that. अब जितना he hates the other women who might be in his life, he loves his mother, he loves his family. In his head, he has the perfect परिवार. और अगर कोई not so nice है, तो ये है इनके neighbors. इनके not redeveloped building में बगल में रहने वाले लोग और ये हमारे duple वाले लोग. So these are our families and how these two totally drastically opposite people in a typical Mumbai way, because Mumbai में गरीब के बगल में अमीर रहते, अमीर के बगल में गरीब रहते, सब एक साथ रहते. पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, everybody lives together. So my show is a little small window of Mumbai and our lives and how we live together. Oh, and now we'll show you a little bit. If you in the AV, and we'll show you the AV. Hi. Let's start with you, Shriti. मैं हूँ श्रुति झा. मैं अमृता चिटनिस का किरदार निभा रही हूँ कैसे मुझे तुम मिल गए हैं. जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, अमृता पेशे से एक बैंकर है, 29 साल की है. उसके परिवार में ये चर्चा चलती रहती, परिवार में उसकी आई बहुत परेशान रहती है कि इसकी शादी हो जाए, लेकिन जैसा मुक्ता हमने बताया कि वो चाहती है कि सही इंसान से हो. एंड शी रियली बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, क्योंकि उसने अपने आई बाबा में एक परफेक्ट मैरिज देखा है. तो उसके लिए सच यही है कि शादियाँ ज़िंदगी भर निभाई जा सकती हैं, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा. उसको हर दिन उस पर आपको उसके लिए कमिटमेंट दिखानी होगी, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हर शादी सक्सेसफुल हो सकती है, जैसे मेरे आई बाबा है. और क्योंकि उसकी ज़िंदगी कुशन रही है इस बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली यूनिट में, तो उसको बहुत भरोसा है इस फैमिली यूनिट पे. और कोई अगर उसकी इस सोच से डिफर करता है तो उसको लगता है वो गलत है. हालांकि लाइफ हैज़ अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर हर इन स्टोर, एंड वी विल फाइंड आउट कि अमृता की सोच बदलती है या ग्रो करती है या क्या. Thank you, Shruti. Can we move to Hemangji ji? Hemangji ji, आपकी कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताएं. कैसे मुझे तुम मिल गए इस सीरियल में मैं भवानी चिटनिस कर रही हूँ. नाम ही चिटनिस है तो मैं महाराष्ट्रीयन हूँ बाय बर्थ, तो मैं ये किरदार करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हमारी जो प्रोड्यूसर है मुक्ता धोंड, वो भी मराठी है. जब उनका मुझे पहला कॉल आया था तो उन्होंने मुझे 1 घंटे में सारी स्टोरी बता दी थी और मैं कन्विंस हो गई कि यस. भवानी चिटनिस एक ऐसी औरत है जो उन 4 लोगों से डरती है हमेशा कि 4 लोग क्या कहेंगे. तो वो पैरामीटर है उसके लिए. और हर माँ जो पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, शहर की हो या गांव की हो, उसे एक ही बात सताती है कि उसकी बेटी की शादी टाइम से हो जाए, उम्र में हो जाए और अच्छे लड़के से हो जाए. और यही 3 चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, और उसके लिए मैं उसे भी परेशान किए जा रही हूँ कि ठीक है तू पढ़ी लिखी है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब है, लेकिन तेरी शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें किसी और से या फिर कोई कुछ भी मिल सकता है तुम्हें पार्टनर, उसे करनी पड़ेगी. और ऐसा ना हो तो तुम जल्दी करो और हाँ बोलो. तो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ और उसे भी परेशान कर दे रही हूँ. और अब तक जितना भी हमने शूट किया है बहुत मज़ा आ रहा है, और मुक्ता मैम थैंक यू कि ये टिपिकल माँ नहीं है जो सिर्फ अपने बेटी को लेकर बहुत कंसर्न है, ऐसे नहीं है। मेरी भी एक अलग स्टोरी, मेरा भी एक अलग ट्रैक आपने इसमें डाल दिया जो कि बहुत कम रेयर होता है माँ के लिए, क्योंकि एक लीड की माँ होना तो मतलब पीछे खड़ी हूँ और मैं सिर्फ रो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग ट्रैक देने के लिए so thankful to Zee TV. Thank you so much, ma'am. I think it's a beautiful mother-daughter relationship that we're going to see on television. Moving on to Kishori ji. Kishori ji, आप बताएं आपके किरदार के बारे में. Hello everyone, I'm Kishori Shahiwij and I'm playing Babita Ahuja in Kaise Mujhe Tum Mil Gaye में. और again I'm thankful to Mukta for casting me in this character. Actually मैं कहीं और चल पड़ी थी, लेकिन उन्होंने फोन करके कहा कि कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं आ रही हो, इसी शो में आ रही हो और तुम्हें ये शो करना है. And she convinced me for the character and it's a beautiful character with lots of complexities. And I don't think she's just a negative character. She has some layers to that. Why she's become that grey character or why she's so proud or something like that. And वो layers धीरे-धीरे मुक्ता खोलेगी as the show progresses. And yes, मेरा लाडला बेटा है यहाँ पे विराट, who is like a darling of my eye and I love him a lot. और मेरी family, मैं बहुत protective हूँ हमारी family के लिए, बहुत बड़ी family है मेरी. So I love my family और I love the richness that we all in. और साउथ दिल्ली की एक अमीर फैमिली है जो एक टिपिकल थोड़ा सा स्नूटी होते हैं, तो वो ये फैमिली है. और यस दे हैव लॉट ऑफ डेप्थ विद द कैरेक्टर्स बट देन इट विल अनफोल्ड एज द सीरियल प्रोग्रेसेस. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज लव आवर शो कैसे मुझे तुम मिल गए. थैंक यू सो मच मैम. व्हाट वाज हीरो हैज तरेजा. हाय गाइस, तो मैं प्ले कर रहा हूँ विराट सिंह आहूजा जो बाद में सिंह नाना बन जाएगा. एंड जैसा कि मुक्ता मैम ने बताया, ये साउथ दिल्ली के थोड़े रिच और थोड़े लाउड फैमिली है जो मुंबई शिफ्ट हो गई है. मैं भी दिल्ली से हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है प्ले करते हुए. स्नूटी नहीं हूँ बट साउथ दिल्ली से मुंबई आया हूँ, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्लेइंग माई सेल्फ एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है. कैरेक्टर वाइज विराट अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपनी मॉम और बेबे के लिए अपनी जान भी दे सकता है. एंड पास में उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि उसकी सोच ऐसी है शादी को और प्यार को लेके, तभी विराट और अमृता काफ़ी अलग है. एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी. सो काफ़ी लेड कैरेक्टर है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा. सो प्लीज़ वॉच द शो एंड आज रात से कैसे मुझे तुम मिल गए ओनली ऑन जी टीवी. मैं हैप्पी नोट मैं प्लीज हैव मुक्ता बैक ऑन स्टेज प्लीज. वी नाउ मूव टू द फोटो ऑप, सो आई रिक्वेस्ट ऑल आवर फोटोग्राफर फ्रेंड्स टू स्टेप फॉरवर्ड. लेट्स डू द पिक्चर्स. काफी अच्छा लग रहा है। कुछ अपने किरदारों के बारे में थोड़ा और बताइए डिटेल। तो मैं अमृता चिटनिस का किरदार निभा रही हूँ। और जैसा कि हमने अभी तक बताया कि जो प्राइमरी कॉन्वर्सेशन इस शो में चल रही है कि अमृता और विराट के शादी को लेकर कितने अलग ख्याल हैं, तो मैं अमृता के ख्याल बता देती हूँ। अमृता बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उसने एक आइडियल रिलेशनशिप देखी है अपनी आई और बाबा में, और उसे लगता है उसके जीवन में भी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। और उसे ये नहीं लगता कि उसे इस वक्त शादी कर लेनी चाहिए, ये नहीं लगता कि शादी की एक सही उम्र या यही सही टाइम है। शादी के लिए एक सही इंसान की ज़रूरत होती है जो आपका सही मायनों में पार्टनर बन सके। और तो वो अभी अपने काम में लगी हुई है, अपने लाइफ को सिक्योर करने में, इंडिपेंडेंट रहने में, अपना करियर बनाने में लगी हुई है। और जब कोई उसे अच्छा इंसान मिलेगा तो वो शादी भी कर लेगी। मेरे किरदार का नाम विराट है। एंड जैसा कि इन्होंने कहा कि दोनों की आइडियोलॉजीज और दोनों की सोच काफ़ी अलग है। विराट अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, रिच फैमिली से है, दिल्ली से और बॉम्बे शिफ्ट हो गया है। उसको प्यार में विश्वास नहीं है और शादी में तो बिल्कुल यकीन ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा इंस्टेंस हो जाता है कि वो बैड एक्सपीरियंस के बाद उसके व्यूज़ काफ़ी बदल जाते हैं। एंड दोनों की पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अलग है, बट फिर भी दोनों कैसे साथ आते हैं और प्यार में पड़ते हैं वो आप जानने के लिए देखिए हमारा शो। हाँ, इस चीज़ से मैं कनेक्ट करती हूँ, लेकिन बाकी चीज़ों में बेसिक पर्सनालिटी में अमृता मुझसे काफ़ी अलग है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है कि काश मैं ऐसी हो पाती, बट अब तो बहुत बड़ी हो गई हूँ, इट्स टू लेट टू चेंज माई नेचर। जैसे अमृता जो उसे सही लगता है वो बोलती है, और जिस तरीके से उसे सही लगता है उस तरीके से बोलती है, विदाउट मतलब लेटर उसको लगे कि इस वक्त शायद इतनी ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बोल देती है उस वक्त कि मुझे ये सही नहीं लगता और मैं ये नहीं करूँगी। वो मेरा नहीं है, मुझे सही नहीं भी लगता है तो मैं चुप बैठती हूँ, मैं नहीं बोलती। वो मुझे अमृता की बहुत अच्छी बात लगती है। और अमृता में एक चीज़ जो बहुत अलग है मेरे बाकी सभी किरदारों में, दिस इज़ माय फर्स्ट शो, सेकंड शो प्रॉब्ली, जिसमें वी आर वेल इनटू शूटिंग दी 11th एपिसोड और अभी तक मैं शर्माई नहीं हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो अमृता के बारे में कि उसकी कोई तारीफ़ भी करता है तो वो बोलती है आई एम द बेस्ट एट माई जॉब। शी क्लेम्स हर टैलेंट और वट एवर हर कैरेक्टर इज, शी क्लेम्स इट, शी इज़ नॉट शाई अबाउट इट एंड आई रियली लाइक इट। आप कितना कनेक्ट कर पाए विराट के कैरेक्टर? मैं मेन इस बात से कनेक्ट कर पाया हूँ कि वो दिल्ली से है और मुंबई शिफ्ट हुआ है। उसका जो लिंगो भी है वो फुल दिल्ली वाला है। मुझे याद है जब मैंने नया नया काम करना शुरू किया था तो कियो जाइयो आइयो मैं हर सीन में ये सब बहुत बोलता था। फिर मैंने उसको बहुत चेंज किया, अभी 10 साल हो गए। अब वापस मेरे को ये चेंज करना पड़ रहा है कि जाइयो आइयो ये करियो याद रखियो। तो वो सब चीज़ें सिमिलर है, बट बाकी मेरे ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग व्यूज़ नहीं है शादी को लेके या प्यार को लेके। मैं ऐसा नहीं हूँ एंटी प्यार या एंटी शादी नहीं हूँ, बस वही फ़र्क है। बाकी आई थिंक आई क्वाइट लाइक विराट यार, काफ़ी हद तक सिमिलर है पर्सनैलिटी वाइज। थैंक यू।